हंसकर उसे याद करके देखे। आंसू तो बहुत बहा चुके हैं, जाहिर है इतने लोग बोलेंगे हसीना एक ही शख्सियत थी, सारी बातें वैसी ही होंगी। यूनिवर्सिटी में मुझसे एक साल आगे थी, मगर मैं क्योंकि पढ़ाई में कमज़ोर था फिर मैं दो साल पीछे हो गया जब से मेरी जान पहचान है हसीना से। कमाल की खातिर थी, पिछली मरतबा मैं यहाँ आया तो मुझे मिली, काश अहमद शाह साहब ये तकरीब 12 दिन पहले कर लेते तो आज हसीना सामने बैठी होती। तो मैंने कहा हसीना क्या कर रही है, तो हसीना ने एक मिसरा पढ़ा नज़ीर अग्रवादी का, आखिर के कहीं हंस अकेला ही सितारा। मैंने हंसनामा बहुत दफ़ा पढ़ा है, सिर्फ उसकी चंद लाइनें हैं मैं ये सुनाऊंगा आपको। दुनिया की जो उल्फत का हुआ मुझको सहारा, और उसने खुशी को मेरी खातिर में उतारा। देखी जो ये गफलत तो मेरा दिल ये पुकारा, आया था किसी शहर से एक हंस बेचारा, एक पेड़ पे जंगल के हुआ उसका गुजारा। थी उसकी मोहब्बत की जो हर एक ने थी उसकी मोहब्बत की जो हर एक ने पी, मैं समझे थे बहुत दिल में वो उल्फत को बड़ी शय, जब हो गए बेबस तो फिर आखिर हुई तो फिर आखिर ये हुई रे, चीले गई कौवे गिरे और बाज भी थके, उस पहली ही मंजिल में किया सपने किनारा। और लास्ट लाइन है, दुनिया की जो उल्फत है तो उसकी है ये कुछ राह, नाचारी हो जिस जा तो वहाँ कीजिए क्या चाह, सब रह गए जो साथ के साथी थे नज़ीर आह, आखिर के कहीं हंस अकेला ही सितारा। ये जो नज़्म है इसमें जब हम किसी को दफना के आते हैं तो मायूसी का आलम होता है कि वो अकेला गया, लोग वापस आ जाते हैं। बेटी की जब रुख्सती होती है तो वालदैन उस रात बेटी की उम्र में बिठाते हैं और जाने वाले को याद करते रहते हैं। जब अजीज़ रिश्तेदार दोस्त जब एक ज़माने में बहुत आते थे, जब वो आना छोड़ देते हैं तो फिर ये होता है आखिर के तई हंस अकेला ही सिखाए।